स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है, ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। फिर परम पुरुष ने क्या किया? अपने को मथा, अपने को मथ कर जैसे देही मथते साहेब को बाहर निकाला सदगुरु कबीर साहब को। काहे ज्ञानी, जाओ शून्य में, निरंजन ने आदि शक्ति को निकल लिया है, बाहर निकालो और उसे मानसरोवर से बाहर फेंक दो, सतलोक नहीं आने पाएगा। और आदि शक्ति को बोलना वो मैंने उसे दे दिया हूं, इसलिए दोनों मिलकर सही सृष्टि करें। साहेब चले, जोग जीत चले, शिर भैन आई, मान सरोवर पहुंचे आई, पूछा काल कौन तुम आई, कौन काज तुम यहां से जाए। निरंजन ने पूछा कौन हो, क्यों आए हो? साहेब ने बोला कि भाई तुमने आदिशक्ति को निकला, मुझे परम प्रश्न भेजा, आदिशक्ति को कहा तू ध्यान कर बाहर निकल, सुरती करने से तू बाहर आ जाएगी। आप देखते हैं कभी भूत प्रेत मिले जैसे सुरती करते हो तो सब चीज भग जाती है कि नहीं, यही परम प्रश्न ने भी कहा। निरंजन भिड़ा, परम पुरुष ने ऐसा क्यों किया, साहेब को क्यों निकाला? 16 पुत्रों में से कोई भी आता निरंजन उन्हें नहीं मानना था, ठीक है, इसलिए परम पुरुष को खुद आना पड़ गया। तो साहेब ने सुरती से निरंजन को गए बुझा फटकार दिनों वहां से गिरा, शून्य में आया। भयो त्रासित पुरुष डर से बहर उठे संभार, निकसी कन्या उदरते पुन देख धर्म अड्डली, आदि शक्ति बाहर निकली डरने लगी। निरंजन ने कहा सुनो डरना नहीं, परम पुरुष ने मुझे सतलोक से निकाल दिया, साथ में तुम्हें भी, क्योंकि अब तुम नारी में पुरुष हम दोनों स्थूल सृष्टि करेंगे शरीर की, जी को कच्चा रंग देना। बोला क्यों? बोला नहीं तो सब आत्माएं निकल जाएगी सतलोक, आत्मा तो ध्यान है, बॉडी में उलझाओ, मोह माया में उलझाना है, नहीं तो सब आत्मा चली जाएगी। आदि शक्ति ने कहा ऐसा नहीं कहा, आदि शक्ति ने कहा ऐसा नहीं कहा है। निरंजन ने कहा सुन, मैं जो तुझे बोलूं वो कर, क्योंकि नहीं तो आत्मा है, आत्मा जहां आशा था बादशाह हुई चली जाएगी सतलोक, सभी निकल जाएंगे, ये तेरे पास है, शरीर में रखो इनको उलझाना है पंचभौतिक शरीर में। और निरंजन ने कहा मैं शून्य हो जाऊंगा, मन बनकर सबके अंदर रहूंगा, किसी को भी सतलोक नहीं जाने देना है, अमरलोक नहीं जाने देंगे। भग नहीं कन्या को हतो अश्चरित्र की निरंजना, नक घात कर भगद्वार्थ की नो घाट उत्पत्ति गंजना, त्रिवार रद्वित कीन तासे भयो ब्रह्म विष्णु महेश। इस तरह स्थूल सृष्टि रचना की निरंजन और आदि शक्ति ने। इस पूरे ब्रह्मांड में तीन की भक्ति है, पांच की निरंजन, मुसलमान भी निराकार कह रहे हैं बेचूना खुदा, ईसाई भी आकाशी पिता, वेदों में भी निराकार, पूरे ब्रह्मांड में इसकी उपासना है, ब्रह्मांड का राजा वो है। और आदि शक्ति की और त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, पांच की उपासना है। निरंजन इस तरह स्थूल सृष्टि की। तब धनराज साहब से सवाल कर रहे हैं कि है साहब एक बात बताओ। अच्छा ये समझा करके बोला किसी को भी परम पुरुष का भेद नहीं मिले, नहीं तो आत्मा उधर जाएगी, कैसे जाएगी, जहां आशा तहां बाशा हुई, इसलिए सतलोक का जिक्र ही नहीं, यही तो सब मानना है, अच्छे कर्म करने वाला इच्छा ही तो कर रहा है स्वर्ग जाने के। कहें बहुत बुझाए देवे गुप्त भय तब आए, शून्य गुफा निवास कीनो भेंट लह के होता है। इस तरह वो शून्य में रम गया, इस पूरे ब्रह्मांड में निरंजन है। वह गुप्त भयो अपने संग सबके, मन निरंजन जानी है, इसलिए मन ही निरंजन है, मन ही ओंकार है। पुरुष भेद मन उच्छेद देवे प्रकट सब आ गए, आत्मा को भ्रम में बांधा गया,
आत्मा को तो रस्सी से बांध नहीं सकते थे, इसलिए अंदर से भ्रम और माया से बाहर से माया। और हम सब कह भी रहे मन और माया में बंधे हैं, कह भी रहे हैं, पर हम इस पर चिंतन नहीं कर रहे। इस तरह समस्त जीवों को बांध दिया, कोई भी परम पुरुष का भेद नहीं जाना। अभी भी जब आत्मा अपने कल्याण के लिए जाती है तो काया रुकावट है कि नहीं, हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बेटी, हाय मेरी माँ, हाय मेरी पत्नी, ये माया। और मन माया तो एक है। इस तरह अनंत युग गुजर गए, एक भी आत्मा नहीं गई सतलोक। हे साहब एक बात बताओ, आदि शक्ति को तो पता था ना सत्पुरुष है, आदि पुरुष तो आदि शक्ति जानते, वो मन के साथ ही कैसे हो गई? तो साहब एक एग्जांपल दे रहे हैं, धर्म सुनो यह नार स्वभाव, बोला ये नारी का स्वभाव सुनो। अब तुम प्रकट वर्ण सुनाओ, बोला मैं तुम्हें प्रकट सुनाता हूं। होए पुत्री जय घर माही, अनेक जतन परितोषे ताही। बोला जिस घर में पुत्री होती है नारी तो उसको बहुत अच्छी तरह से पालते हैं, लड़के को तो टूटा फूटा वस्त्र देंगे ऐसे नहीं देते हैं, बड़े ध्यान से पालते हैं। वस्त्र भक्ष सुख सेज निवासा, घर बाहर सबते हैं विश्वासा, पूरा घर उसके जिम्मे होता है। यज्ञ कराए दे सुत माता, विदा के निहित प्रीत सिताता। गई सुता जब स्वामी गेहा, राचो तास रंग गुण नेहा। मात पिता सभी बिसरावा, धर्मन असहन हर स्वभाव। साहब कह रहे हैं जब ब्याह करके विदा कर देते हैं माँ बाप, वस्त्र आदि सब चीजें देकर, जब सुता लड़की को कहते हैं, गई अपने पति के यहाँ, पति के रंग में हो जाती है, माँ बाप सब भुला देती है। साहब ने कहा इसलिए यूं हुआ। अब ऐसे अनंत युग गुजर गए, एक भी आत्मा वापस नहीं गई, सभी जीवों ने पुकार भेजी। तते तवे पर जीवों को यम भूंज भूंज के खा रहा था, सब जीवों की एक पुकार निकली, हे परम पुरुष कोई है तो बचाओ, बहुत कष्ट है काल का। आप कहेंगे निरंजन जीवों को तते तवे पर खा रहा था, मैं दिखाता हूं। अरे पहले मछली खा रहे थे कि नहीं, बकरा खा रहे थे कि नहीं, मुर्गा खा रहे थे कि नहीं, उसका गला काट रहे थे कि नहीं, यही है मन। इस तरह समस्त जीवों को तप्त शिला पर नरक में भी बहुत कष्ट दे रहा था निरंजन। साहब क्या कह रहे हैं, कर्म करावे आप कष्ट देव अपने जीव को, पूरे कर्म मन कराता है लेकिन आत्मा को भोगना पड़ता है। समस्त जीवों ने पुकार किया, वो आवाज सात आकाश को क्रॉस करके परम पुरुष के पास पहुंची। यम कर कष्ट सहा न जाई, हे गुरु ज्ञानी होए सहाय। जब देख जीवन को विकल थी, दया पुरुष जनाया, परम पुरुष को दया आ गई। आपका बच्चा आपको पुकारे दया आ गई ना, दया निधि सत्पुरुष साहेब तब है मोह बुलाइया। साहेब कह रहे हैं तब परम पुरुष ने मुझे बोला पुकारा, कहे ज्ञानी निरंजन बहुत जीवों को कष्ट दे रहा है, जाओ इनको बचा कर ले आओ। आगा लीन मान पुरुष सिखायन शीष धर, तत्क्षण कीन प्यान शीष नाय सत्पुरुष को। साहेब कह रहे मैं आया, कहाँ आया? आए जह यम जीव सतावे, काल निरंजन जीव नचाए। चटपट करे जीव तह भाई, ठाड़े भय तहां पुन आई। साहेब कह रहे मैं वहां आया जहां निरंजन जीवों को तत्ते तवे पर भूंज भूंज के खा रहा था। अरे जब आपने मछली का पेट निकाला तो तड़फ रही थी ना, पेट फाड़ करके टट 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 कर उसको खा गए कि नहीं खा गए? मुर्गा बेचारा तंग हो रहा था कि नहीं, धड़न से गर्दन काट करके पका के खा गए कि नहीं? बकरा है बैं कर रहा था, आपने उसकी पुकार नहीं सुनी, धड़ाम से गला काट करके उसको मार के पका के खा गए कि नहीं? साहब कह रहे चटपट करे जीवते हैं भाई, ठाड़े भय तहां पुन जाई। तब मैं सत्य शब्द घोरावा, पुरुष शब्द से जीव जुड़ावा। इसका अर्थ कौन बताएगा? तब मैं सत्य शब्द घोरावा, पुरुष शब्द से जीव जुड़ावा।
पुरुष शब्द से जीव जुड़ावा, यानी तब तप्त शिला ठंडी हो गई, सकल जीव तब अस्तुत लाए, सब जीव मुझे प्रार्थना किए, धन्य पुरुष तुम तपन बुझाए। बोला आप आए हमारी, हम तड़फ रहे थे, आपने हमें शांति दी, यमते छोड़ ले तुम स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। बोला मुझे छुड़ाओ, हमें छुड़ाओ यम से। साहेब ने कहा तब मैं कहो जीव समझाई, जोर करूं तो वचन नशाई। बोला सुनो हे जीवो, जब तुम जाए दरो जग्ञ देहा, तब मैं करी हो तुम नाम स्नेहा, पुरुष नाम सुमरण सहदाना, बीरा सार नाम पैर परवाना, देह धरी सत शब्द समाई, तब हंसा सतलोक सताई। बोला सच्चा शब्द जब तुम शरीर में आ जाओगे, नाम देंगे, तब तुम पार हो जाओगे, जय आशा तह बासा होई, बाको टार सके ना कोई। बोला हे हंसो, इसलिए तुम यहां अभी तुमने परम पुरुष को, उन्होंने क्या बोला, जीव क्या बोले वो सुनो। पुरुष जान सुमरो यमराई, वेद शास्त्र सब कहे समझाई। सबने कहा हमने परमात्मा जान करके निरंजन की भक्ति की, वेद शास्त्रों में इसकी महिमा है। वेद पुराण कते मति एहा, वेद पुराण कथे मति एहा, निराकार ते कीजे नेहा। निराकार की उपासना कर। सुर नर मुनि 33 करोड़ी जीवों ने क्या प्रार्थना की, सुर नर मुनि 33 करोड़ी बांधे सबे निरंजन डोरी, सबने निरंजन की डोर पकड़ी हुई है। ताते मते किन हम आशा, अब मुह चीन पड़ी यम फांसा। जीवों ने कहा अब हमें समझ में आया कि ये क्या है। इस तरह जो रक्षक थे सीनत नाई, जो भक्षक थे ध्यान लगाई। साहेब 120 साल धरती पर रहकर गए, एक भी जीव वापस नहीं, साथ नहीं लगे। परम पुरुष ने कहा अरे ज्ञानी, क्षणिक जीवन को सुख देना, जीवन कहो ज्ञान सूचीना, जब तुम देह धरो जग जाई, तब हम शब्द कहब गोहराई, जो गए हैं सत नाम की डोरी, तब पानब हम यम से छोड़ी। जीव प्रमोद पुरुष पर गए, जीवन की दुख वर्णन करे हो। बोला तब परम पुरुष से मैंने वर्णन बताया कि ऐसे ऐसे निरंजन बहुत कष्ट दे रहा है। परम पुरुष ने कहा ज्ञानी जाओ जीवों को चिताओ। साहेब धरती पर आए, 120 साल रहकर गए, एक भी नहीं जीव तैयार हुआ। जब वापस गए तो परम पुरुष ने कहा ज्ञानी आत्माएं नहीं लाए हो। बोला महाराज सुनो, आपने तो कहा निरंजन को मारना नहीं, 2 मिनट में इसकी गठरी बांध के सबको ले आता मैं, लेकिन आपका वचन था। मैं जिसको सुबह समझाता हूं शाम तक बुला देता, शाम को समझाऊं दूसरे दिन याद ही नहीं रहने देता, पूरा सर्व साजामान इसी का है। तब परम पुरुष ने कहा ज्ञानी घबराओ नहीं, पुरुष दयाल दयानिध स्वामी, जिनके मूल अमान अकामी, कहो मोह बहुविध समझाई, जीवन आमनो नाम जताई। मुझे नाम दिया कि ये दे देना, फिर काल का जोड़ नहीं चलेगा। अब धर्मदास ने विनती की, धर्मदास विनती की ना, ज्ञानी मोह कहो समझाई, जो कुछ पुरुष शब्द मुख भाखा, सो साहेब मोह गोए न राखा, कौन नाम ते जीव उबारा, सो साहेब सब कहो बिचारा। का किस नाम से जीव उभरेगा ये बताओ, जैसे परम पुरुष ने जो नाम दिया मुझे भी बताओ कौन सा नाम है। धर्मदास ने क्या बोला, साहब ने कहा कि परम पुरुष ने मुझे नाम दिया, कहा ये जीवों को देना ये चीज, फिर काल का जोड़ नहीं चलेगा। धर्मदास ने कहा मुझे भी वो बताओ साहेब क्या बोलते हैं। पुरुष मोह जैसा फरमाई, सो सब तुमसे संधि लिखाई, वो तुम्हें बता दिया हूं। कहे मोह बहुविध समझाई, जीवन आनो नाम चिताई, गुप्त नाम प्रभु मोह को दीना, नाम विदेह मुक्ति को चीना। वो गुप्त चीज दी, वो गुप्त नाम दिया, यहां आया ना उल्लेख,
वो जब शरीर में पहुंचेगा निरंजन का जोड़ नहीं चलेगा। आप देखो नामदान के बाद मन का जोड़ नहीं चल रहा है, तभी तो कह रहा हूं जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। दुनिया को मन नचा रहा है, वो चीज जब दूंगा पूरा मन कस में आ जाएगा, इसका जोर ही नहीं चलेगा। पहले आपको एक नशा करके गुम किया हुआ था, मन जो चाहता था कराता था, अब नहीं करा पा रहा है। यह है वो नाम की ताकत, ये वस्तु देंगे। अब मन समझ में आ रहा है, मन क्या कर रहा है, इसका नतीजा क्या हुआ, रिजल्ट आपको पाप पुण्य समझ में आ रहा है, अच्छा बुरा समझ में आ रहा है, कृत आकृत समझ में आ रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है पता चल रहा है। मन पर होल्ड हो गई, पूरी दुनिया को नचा रहा है, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। आप तो साधु हो गए, इंद्रियों पर नियंत्रण हो गया, मन पर नियंत्रण हो गया, झूठ नहीं बोल रहे हैं, छल नहीं कर रहे हैं और किसी का धन नहीं ले रहे हैं, ये महान पुरुषों के गुण हैं। ठीक है, ताग पलट हंसा कर देना, इसी नाम पर नानक देव जी भी कह रहे हैं, कूप नीर बिना धेनु क्षीर बिना तस प्राणी सतनाम बिना हस्ती दंत बिना पंछी पंख बिना जैसे देह नैन बिनहीना तस प्राणी सतनाम बिना। साहब कह रहे हैं नाम बिना सुनी शरीर जाघट नाम न संचरे तिसको जान मशान जैसे खाल लोहार की श्वास ले तुम प्राण। नाम के रे प्रताप ते भय आन के आन सदगुरु मोहि दीनी अजब जड़ी सो जड़ी मोहि अति प्रिय लागे अमृत रस से भरी पांच नाग पच्चीस नागनी सुंगत तुरंत मरी। पहले जीभ जो कहती थी खाना खा लेते थे, अब नहीं खा रहे हो। आंखें जहां चाहती थी उलझ जाती थी, अब नहीं उलझ रहे हो। मन जहां चाहता था पटकी मारता था, भैया आपको बहुत कुछ दे रखा है। मानुष से देवता किया करत न लागी बार काम क्रोध लोग मोह अहंकार बॉडी में है लेकिन वैसा धमाल नहीं मचा सकते। ऑल थिंग्स आर इन कंट्रोल, यह नाम कह रहे हैं सदगुरु कबीर है। नाम बिना सुनी शरीर कहीं भूले कर देते हो अंदर से फौरन घंटियां बजती हैं, गलत है। वो आपको पूरे सिग्नल मिलने लग जाएंगे। मन तो आपके आगे बिचारा है, अब जो दुनिया को मन नचा रहा था आपके आगे इसका जोर ही नहीं चल रहा है। आपको कहेगा चलो छल करते हैं, आप रेडी भी होंगे, अंदर से सिग्नल आएगा ना ये नहीं कर रहे। तभी शायद कह रहे सदगुरु मेरा शूरमा कसके मारा बाण नाम अकेला रह गया पाया पद निर्माण। तब बोला हे धनदास उसके बाद नाम होए तो माथ नवाई ना तो यमन बांध नचाई नाम ढोर गए लोके जाई धर्म राय ते देख चढ़ाई ज्ञानी करो शिष्य जय जाई तिनका तोरो जल अछवाई जय विद तुमको दीनों पाना तह विद दो शिष्य सहदाना। ये कंसंट्रेशन से दिया जाता है। नाम नाम सब जगत पखाना नाम भेद कोई बढ़ना, एक अद्भुत एनर्जी है ये। जैसे हम टैबलेट खाते हैं तो पूरे शरीर पूरे रक्त में उसका इफेक्ट होता है कि नहीं, इसी तरह आपके हर एक सिस्टम ठीक कर देगा नाम। नाम बिना मूर्ख सो कहिए नाम बिना पापी सो लहिए ऊंच वही जो नाम है जाना बिना नाम सब नीच बखाना जागट नाम न संचरे तिसको जान मशान जैसे खाल लोहार की श्वास ले बिन प्राण। एक अद्भुत एनर्जी मिली आपको, पहला इतना होश में हो सब कुछ समझ में आ रहा है। पहले मदहोश थे, पहले बेहोश थे, कुछ नहीं पता था। पांच नाग पच्चीस नागनी सुंगत तुरंत मरी। सदगुरु शब्द साहब आपकी सुरक्षा भी है, नहीं तो आप चल नहीं पाओगे। हर जगह कदम कदम पर रक्षा है। पर साहब कह गए आगे क्या बोल गए हैं, नाम सत्य गुरु सत्य हो आप सत्य जब होए तीन सत्य जब एक हो तो विश्व अमृत होए। तुम भी होशियार रहना, तुम्हारी विलिंग ठीक रहे, तुम्हें हर बात बताई जाएगी। अरे देखो रोड पर जा रहे हो तो ड्राइवर का पता है क्या टेस्ट होता है, उसका रोड साइन की पहले जानकारी लेते हैं, मोड़ के लिए कौन सा सिग्नल है, ब्रेकर का कौन सा सिग्नल है, स्कूल का कौन सा सिग्नल है, ये पूरे ट्रैफिक सिग्नल्स समझने हैं, उसके बाद कॉशन पढ़ने हैं, रोड पर डाइवर्शन है तो उसके लिए एरोज ऐसे देते हैं। ड्राइविंग में यही जब लाइसेंस लेने जाते हैं ये सब एग्जाम होता है। ठीक है,